वफाकी घरू वजीर चौधरी निसार अली खान सिक्योरिटी एजेंसियुनि जी कारकर्दगी ते सवालिया निशान उथारे छॾिया आहिनि। रिपोर्टुनि मुताबिक़ सिक्योरिटी एजेंसियुनि वफाकी घरू वज़ीर खे रिपोर्ट ॾिनी त वाह कैंट आर्डीनेंस फैक्ट्री में पोरतन जे ॾिहाणे जी तकरीब में शिरकत न कयो, छो जो उन तकरीब में दहशतगर्दी जो ख़तरो आहे। अहिड़ी रिपोर्ट ते वफाकी घरू वज़ीर चौधरी निसार कावड़िजी पियो ऐं संदसि चवणु हो त जेकॾहिं असां इदारनि जी सिक्योरिटी बहितर नथी करे सघिजे त एजेंसियुनि जी कारकर्दगीअ ते सवालिया निशान उभरनि था। चौधरी निसार चयो त जेकॾहिं POF जा मज़दूर महफ़ूज़ न आहिनि त पोइ असांखे बि पंहिंजी जान जी परवाह न आहे। उन खां पोइ हुन वफ़ाकी वज़ीरनि सां गॾु तकरीब में शिरकत कई ऐं पोरतनि जे मेड़ाके खे ख़िताब बि कयो। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मज़दूरो, अस्सलाम अलैकुम। मुझे रिपोर्टें आईं कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को दो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तमा पर खुदा ना खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी की कि अगर POF का मजदूर महफूज नहीं है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर दिन दहाड़े तो हम तीन वजीरों का तहफ्फुज भी अल्लाह ताला के हवाले, हम जरूर जाएंगे। मैंने इन एजेंसियों को यह भी पैगाम दिया कि रिपोर्ट देना आपका काम है, जाना या ना जाना यह फैसला करना मेरा काम है। मुझे नहीं पता कि यह कौन नादान लोग हैं जिन्होंने ये इबहाम डाला। मैं तो यहां सिर्फ मजदूर से इजहार यकजहती करने आया था और इतिहाद और इत्तफाक का पैगाम देने आया था। मुझे नहीं पता किसी को क्या खौफ है, किसी को क्या डर है कि भी पिछले तीन चार दिनों में यह तमाशा होता रहा। मुझे इसका इल्म भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन नादान है जिनको ये गलतफहमी हुई है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स दे के और कोई और मुश्किलात सामने लाके आज हम यहां आने से कुतरा जाएंगे। और मैं तुम्हें यह भी कहता हूं यार, बहुत सारे पर्दे नहीं खोलता, मेरा मकसद नहीं है, मेरी पोजीशन मुझे ये इजाजत नहीं देती। अगर इन मजदूरों को सांस लेने दो, इनको जीने दो। इन ॻाल्हि में त को बि शक न आहे त सॼो मुल्क हिन वक़्तु बि दहशतगर्दी जहिड़े ख़तरे खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, जेको वॾे अरसे खां ख़ल्क खे यरगमाल बणाए वेठो आहे। अहिड़नि मौक़नि ते ख़ासि तौर ते सिक्योरिटी एजेंसियुनि पारां अलर्ट बि जारी कया वेंदा आहिनि, जिन ते जेकॾहिं अमल नाहे कयो वेंदो त उहो ई वफ़ाकी घरू वज़ीर कंहिं वॾे वाक़िए या साने जी सूरत में पंहिंजे रदे अमल में इहो ई चवंदो आहे त असां इदारनि त पहिरीं अलर्ट जारी कयो पर लाॻापियल इदारनि ते ध्यानु ॾिनो, जंहिं करे वाक़ियो पेश आयो। इस मसले पर इज़हार करण से पहले इज़हार ख़्याल करने से पहले अगर उसकी तस्दीक हो जाए तो वो बेहतर होगा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें कब आई, हमने पंजाब हुकूमत से कब शेयर की, वफाकी हुकूमत की क्या राय थी और सूबाई हुकूमत की क्या राय थी। सूबाई हुकूमत बावजूद इसके कि वहाँ PMLN की हुकूमत है, वो जो उनकी कारकर्दगी या अमल था उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। मैं वफाकी हुकूमत और बिलखसूस वजारत दाखिला के हवाले से जिम्मेवार हूँ और इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दूंगा। हाँ यो समझ में नो अचे तो ओचतो ही ओचतो वफाकी घरू वजीर के उन्नी एजेंसियों की कारकर्दगी हाँ छो एतरी खराब नजर अची रही है जो खुलेआम उन सवाल ही निशान उतारे रो है। गाल रुगो इत ही खत्म नी थे पर वफाकी घरू वजीर की अड़ी कावड़ जो इजहार ताज़ो ई डॉन लीक्स की रिपोर्ट के हवाले से हुकूमत पारा जारी कल नोटिफिकेशन से पाक फौज के तर्जुमान पारा जारी कल ट्वीट बयान से भी सामू आयो।
जैमे मोहतरम घरू वजीर सख्त कावड़ में चयो हो इदार विच में ट्विट्स से गाल बोल ना थी मतलब तो उन सीधी रीत मुल्क के इंतहाई मोतबर इदारे लाए भी कावड़ दिखारी है हाँ वरी उन ही तर्ज की कावड़ उन सिक्योरिटी एजेंसी ते भी कड़ी आए। मैं समझता हूं ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान के सिस्टम इंसाफ उसके लिए जहर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। एक दूसरा और ये सुन के आप हैरान होंगे मगर इस मुल्क में इस तरह भेड़ चाल चलती है नोटिफिकेशन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो नोटिफिकेशन किया ही नहीं। तीन दिन पे मैं इस्लामाबाद में भी मैंने एक दिन प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी उनको ब्रीफ किया दूसरे दिन मैं फिर गया और मैंने कहा जी कि हमने इस पे नोटिफिकेशन करना है आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दें। उस दिन वो मसरूफ थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि नोटिफिकेशन हुआ नहीं भूंचाल कैसे आ गया। मैंने कहा था कि वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशंस मन ऑन कबूल की हैं उन पर अमल करने की वजारत दाखिला को हदायत की है तो ये शोर क्यों है बरपा खुदा ही जाने। और मेरा ख्याल है कि ये हम इस कौम से ज्यादती करें मॉन्यूमेंटल इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं और हम ट्वीट से मामलात को हैंडल करते हैं ये बहुत बदकिस्ती है। समझ में रुगो यो नथो अचे तो वफाकी घरू वजीर के पाक फौज पारा अगु जारी थींदर ट्वीट्स ते कावड़ छो न आई या उहे सिक्योरिटी एजेंसियों तो अगु भी उन किस्म जो अलर्ट्स जारी कंदियूं रहियूं आहिनि त पोइ हाणे ओचितो ई ओचितो घरू वजीर साहब के एॾी वॾी कावड़ छो लॻी आहे। ॻाल्हि में भली कुझु बि न हुजे पर जॾहिं मुल्की इदारनि ख़ासि तौर ते सिक्योरिटी जूं ज़िमेदारियूं संभारींदड़ एजेंसियुनि जी कारकरदगी ते जॾहिं वक़्त जी हुकूमत जो लाॻापियल वज़ीर ई सुवाल उथारींदो त पोइ आम माण्हू जे ज़हन में बि इहा ॻाल्हि या सुवाल उभरी सघे थो त सॼी दाल न सही पर हिन दाल में कुझु त कारो आहे जो इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि जेकी मुल्की इदारनि में टकराव या छिकताण जो कारण बि बणिजी सघनि थियूं। असां सम्झूं था त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर जंहिं क़िस्म जी कावड़ जो इज़हार सिक्योरिटी एजेंसियुनि ते कयो आहे उन सां ॿियो कुझु न पर एतिरो ज़रूरु थींदो त आवाम बि उन्हनि सिक्योरिटी इदारनि तां एतबार विञाए वेंदो। जेकॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि हुई त घरू वज़ीर खे इजलास कोठाए उन में पुछणो करणु घुरिजे आहे। बाक़ी सरेआम इन क़िस्म जा बयान ॾियण सां आवाम जे ज़हननि में हुकूमत ऐं इदारनि में टकराव वारा जेके ख़दशा खुटकी रहिया आहिनि उन्हनि खे हथी मिलंदी।